शुरुआत से ही किसी को कोई चीज़ आती तो नहीं है। यहाँ आने के बाद सपने बदल गए थोड़े से, मालूम नहीं था कुछ, लगने लगा कि ये भी मैं कर सकता हूँ। कालागोड़ा आर्ट डिस्ट्रिक्ट फेमस है बहुत, ये कलाकारों के लिए यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत से कलाकार यहाँ आते हैं काम करते हैं। तीनों लगे हुए मेरा नाम प्रसाद है, मैं एब्स्ट्रैक्ट्स और पोर्ट्रेट्स लाइव स्केचेस करता हूँ, चारकोल पोर्ट्रेट्स बनाता हूँ और मैं मुंबई में, मैं 20 साल से इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ। पोर्ट्रेट्स है, कोई पेंटिंग्स है, एब्स्ट्रैक्ट है, जो भी रहेगा, और फिर कमीशन काम भी आता रहता है। यहाँ कुछ लोग आते हैं जो शौक से स्केचेस बनाते हैं, पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, वो चलता रहता है काम, इसी तरीके से चलता रहता है। कहीं से फिर कोई ऑर्डर आ जाता है तो वो हिसाब से कुछ करना पड़ता है काम। कभी कभी एग्जीबिशंस की भी तैयारी के लिए काम करना पड़ता है। दिन में आपका 2 स्केचेस हो जाए तो भी काफ़ी है, 20-15 हज़ार की पेंटिंग बिक जाए तो लॉटरी है, और 2-4 पेंटिंग्स का और आपको कोई ऑर्डर मिले या कोई क्लाइंट कहे कि मुझे 3-4 पेंटिंग्स बनानी है तो फिर तो जैकपॉट ही है, ऐसा चलता रहता है। और मेन बेनिफिट होता है हमको एक गैलरी का, गैलरी और म्यूजियम, गैलरी का तो ज़्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि वहाँ पे पेंटिंग बहुत महंगी मिलती है, हमारी तो सस्ती रहती है। और गैलरी में क्या है, पेंटिंग कोई ले नहीं सकता है, स्ट्रगल आर्टिस्ट है ना हम लोग, जो स्ट्रगलिंग करते हैं उनका पेंटिंग वो ले सकते हैं। एक दिन के अंदर 1 लाख के सेलिंग था हमारा यहाँ पे, बहुत अच्छा था लॉकडाउन से पहले। अब एक्चुअली इतने NRIs और फॉरनर्स नहीं आते, इतना टूरिज्म नहीं है अभी। हमने जब स्टार्ट किया तो यहाँ पे फॉरनर्स बहुत थे और आर्ट्स के कदरदान भी बहुत थे यहाँ पे। लॉकडाउन से ये सब हो रहा है कि लॉकडाउन से अभी यहाँ पे जितने भी बायर्स हैं वो अच्छे नहीं आ रहे। अभी पहले लॉकडाउन में 1 साल हमारा ऐसे ही वेस्ट गया क्योंकि वो टाइम पर भी उन्होंने रेंट पर दिया था, लेकिन उसके बाद जब स्टार्ट हुआ हमारा काम लगाना तो हम लोग वापस से पेंटिंग लगाना चालू कर दिए। लॉकडाउन में बिल्कुल काम नहीं था, जो था हाथ में वही दे बैठे और उसी को फिर बनाने की अभी कोशिश कर रहे लोग। जो यहाँ आर्टिस्ट लोग आते थे वो भी आना बंद हो गए, कुछ मार्केट भी गिर गया। मैंने सोचा कि कुछ तो काम करना तो चाहिए, तो मैं तो पेंटर हूँ, अब पेंटिंग से रिलेटेड ही काम करूँगा। तो कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि तुम घर में हो, रेलवे स्टेशन भी तुम्हारे घर के नज़दीक है, तो तुम रेलवे में ट्राई करो, कुछ काम करो वहाँ पे। तो वो नंबर्स और माइलस्टोन पे नंबरिंग करना, टनल्स पे वगैरह, नाम टनल के जो स्टार्ट होता है वहाँ पे नाम लिखना उनके टनल्स के नाम, तो वो करने का एक मौका मिला। लेकिन अफसोस, मैं फिर वो काम करना नहीं चाहता हूँ, बड़ा बड़ा ख़तरनाक लगा मुझे वो काम, बहुत तकलीफ़ देखी है उसमें। मैंने कभी सोचा था तो मैं आर्टिस्ट बनूंगा, मैं एक तो नॉर्मल गांव में रहने वाला लड़का था, मैं 10th class तक का पढ़ा था, मुझे ये फ्यूचर में मालूम था कि मैं आगे जाके इतना आर्टिस्ट बनूंगा, इतना अच्छा काम करूंगा। और बॉम्बे में आने का भी सोचा नहीं था लाइफ में, लेकिन मैं यहाँ पे आ गया। मैं समझना एटलीस्ट 9 ईयर्स का हूँगा जब से यहाँ आता हूँ,
मैं स्कूल भी बंक करके आता था तो इधर ही आता था। मैं मुझे पढ़ने लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था पहले से। मैं कहीं बहुत जगह पे जॉब किया हूँ, प्लास्टिक्स में, हर जगह पे, टी शर्ट्स की दुकान में, सेल्समैनिंग वगैरह में जॉब किया हूँ, मगर आर्ट लाइन इज़ बेस्ट लाइन। हमें बहुत सपोर्ट करते हैं काला घोड़ा वाले, और आर्टिस्ट लोगों के लिए तो बहुत अच्छे हैं वो। बॉम्बे जब आए थे तभी काम ढूंढने नहीं आए थे हम लोग, मेरे को आर्ट का शौक था, बॉम्बे आया हुआ तो मैं फिल्म इंडस्ट्री का जो बोर्ड बनाते पिक्चर के वो उसके लिए आया, और मुझे वो मिला भी है। थोड़ा तकलीफ होने के बाद मिल गया, मतलब एक दो चार साल तकलीफ निकालना रोड पे सोना इधर उधर हो गया। एक्चुअली मेरा भाई आया था यहाँ, तो उन्होंने देखा कि यहाँ मतलब आर्ट कर सकते हैं, कुछ कमा सकते हैं, तो उन्हें उन्होंने बताया मुझे कि आप भी आ सकते हैं, तो मैं आ गया। स्कूल ख़त्म होने के बाद मैं दो साल बाद मुंबई आया। मैं साइन बोर्ड पेंटर का काम करता था, सीखता भी था। साइन बोर्ड करते करते मैं मुझे इन चीज़ों में भी दिलचस्पी थी कि मैं लोगों के चेहरे बनाऊं, मेरे हाथों से हूबहू स्केचेस बने, ये मैं चाहता था। शायद ये भी हो जाता है कि आपको, आपने दोपहर में खाना खाया तो आपको शाम को मिले नहीं मिले, पॉसिबल है, क्योंकि हर बार आपको काम मिलेगा ज़रूरी नहीं है, वो भी सकता है। गैप हो जाता है कभी कभी, जब एक पिछला सेल और अभी का सेल इसमें गैप हो जाता है तो ये भी मुश्किल हो जाता है कि आप अपने बिल्स पे कर पाए, ये भी हो जाता है। कोई पेंटिंग सेल नहीं होती या आपके पास कोई काम नहीं होता। बहुत बार ये हुआ कि चलो भाई शाम का खाना मिले नहीं मिले, लेकिन मेहनत तो करना है, मेहनत तो करते रहना है। मैं किसी कॉलेज में नहीं गया, स्कूल में नहीं गया, कहीं नहीं गया। मेरे दिमाग में जितना आता मैं उतना बनाता हूँ, और मैं मेरा जो पेन का जो डिज़ाइन करने का या लाइन मारने का जो ये है, मतलब अच्छा लाइन ही आता है, अच्छा डिज़ाइन आता है, मैं वो कर सकता हूँ, मेरा उसमें हाथ बैठ गया पूरा। जब भी हम बनाने जाते थे सामने वाला सो जाता था आराम से, तो मतलब शुरू में हो गया, बाद में धीरे धीरे मतलब फास्ट हो गया, मतलब पोर्ट्रेट फास्ट बना, अभी 10-15 मिनट में पूरा पोर्ट्रेट हो जाता है। स्केचेस बनाने आते नहीं थे मुझे, फिर भी मैं लोगों से पूछता था, आने वाले लोगों से, कि मैं आपका पोर्ट्रेट बना सकता हूँ, आप मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं आपका एक स्केच बनाता हूँ, आपको अच्छा लगे तो पैसे दे देना, या नहीं अच्छा लगे तो मत दीजिए पैसे, ऐसे बोल के मैं बहुत से लोगों को बुलाता था। मैं प्रैक्टिस भी करता था, लेकिन वो प्रॉपर नहीं था मेरे हिसाब से। एक्चुअली मालूम नहीं था रंगों के बारे में, कौन से कलर्स है, कैनवस है, कहाँ मिलता है, आता भी नहीं था, तो मैं कभी फुल टाइम ये करने की सोचता नहीं। लेकिन इसी जगह पे मैं एक दिन जहांगीर गैलरी में शो देखने आया था, पेंटिंग्स देखने आया था, तो इसी जगह
एस एम हुसैन जो मेरे टीचर रहे, मेरे उस्ताद रहे हमेशा, जिन्होंने मुझे सीखने का मौका दिया, उनकी जगह पे मैं अभी भी बैठा हुआ हूँ। वो मुझे बोलते थे कि तुम मुझे देखते रहना, तुमको जो भी सीखने को मिल सकता है या तुम जो भी सीख सकते हो तुम सीखते रहना। और ऐसा मुझे उनका साथ 5 साल का मिला। मैंने उनके साथ बहुत सारा काम किया, बहुत सारी बिल्डिंग्स की और बहुत घूमा उनके साथ में। लेकिन ज़िंदगी के बारे में हमारी बहुत ज़्यादा बातचीत होती रहती थी, लाइफ क्या है, किस तरीके से जीना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, कैसे तुमको कम मिलेगा तो भी खुश रहना है, ये बहुत सी चीज़ें उन्होंने मुझे बताया। और मैं सोचता हूँ कि पेंटिंग सिखाने से ज़्यादा वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी। बहुत अच्छा माहौल था यहाँ, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट लोग आते थे यहाँ, बहुत सारे आर्ट लवर्स आते थे, भरी हुई होती थी जगह पेंटिंग से भी, लोगों से भी, आने जाने वाले लोगों से भी। कोई भी आता था, कोई भी पेंटिंग के पास खड़ा हो जाता था, अपनी अपनी चीज़ें बताता था, अपने बारे में बताता था, खुद को इंट्रोड्यूस करता था एज एन आर्टिस्ट या जो भी काम किया है उन्होंने वो बताते थे, तो चाय पानी होती थी, बैठते थे, हम भी रिस्पेक्ट देते थे उनको। बहुत सारे लोग यहाँ होते थे हमेशा, जो पुराने लोग थे जिनसे हम सीखते थे काम। आजकल उनका थोड़ा सा आना जाना कम हो गया यार। अगर वो लोग आना शुरू करे यहाँ, अगर आए अपना थोड़ा सा समय दे, तो शायद ये फिर से जगह बोल देना निखर जाएगी ये जगह। बहुत कम हो गया आर्ट में, जो पहले जो था अभी डिजिटल हो गया, कैमरा हो गया, ये सब आ गया ना, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत सारा मतलब काफ़ी लोग उसमें कम हो गए, आर्टिस्ट लोग काफ़ी कम हो गए। मैं ये सोचता हूँ कि अभी जो अभी चल रहा है मतलब कोविड की वजह से, मतलब ये आर्टिस्ट लोगों की जो हालत हो गई है उसी की वजह से मैं ये सोचता हूँ कि उनको मतलब ये फील्ड में नहीं आना चाहिए, जो डिजिटल है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब स्टोरी राइटिंग जो रहता है या तो फिर ऐसे मतलब स्टोरी बोर्ड ऐसे बनाते हैं डिजिटल में, तो वो ज़्यादा अच्छा है और वो करते भी। वैसे मेरे बच्चे मतलब कंप्यूटर में भी अच्छे बना सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगा नहीं है कभी मुझे कि मैं आर्ट छोड़ दूँगा, लेकिन मैं कोई और काम करूँगा बिसाइड्स, ये भी चालू रहेगा। आर्टिस्ट ये नहीं सोचता कि पेंटिंग्स बिकने के लिए बनाएगा, पेंटिंग्स पसंद आने के लिए बनानी चाहिए, ना कि बेचने के लिए, ये ज़रूरी चीज़ है। फ्यूचर से यही है बस, आर्ट्स लास्ट एंड तक के यही करना है। ऐसा लगता है कि मुझे भी थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, जैसे कि कैमोल्ड हो गए, जहांगीर आर्ट गैलरी हो गए, गैलरी सेवन्स हो गए, उसके अंदर हमें शो करना चाहता हूँ। फ्यूचर क्या, अभी जब तक है तब तक चल रहा है, कुछ सोचा नहीं है सब चीज़ें कि वो क्या होगा आगे।